आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैमरे के बारे में जो कि आता तो है बहुत कम प्राइस में, बट जो वैल्यू लेके आता है बहुत ज्यादा हाई लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो, उसी तरीके के अलग अलग वीडियो बनाना चाहते हो, या मेरी तरीके से यहाँ पे आप बैठ कर एक जगह पे वीडियो बनाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। 5K तक का रेजुलेशन इसमें आपको मिलता है, बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है GoPro 11। सबसे पहले तो मैं इसका आपको अनबॉक्स करके क्या कि हमको इसमें मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो ये रहा हमारा GoPro 11 का बॉक्स। अभी इसमें आपको कुछ इसके फीचर है के बारे में डिटेल मेंशन हो जाती है। पीछे की तरफ आपको जो GoPro 11 का एप्लीकेशन का सपोर्ट है वो किस तरीके से आपको यूज करना है वो भी यहाँ पे मेंशन मिल जाता है। राइट की तरफ इसमें क्या क्या कैमरे के साथ एक्सेसरी मिलती है वो भी मेंशन रहता है। जल्दी से पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करते ही हमको एक साथ में कैरी पाउच मिलता है। इस कैरी पाउच में ही हमको हमारा कैमरा मिलेगा। अभी हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही सामने हमको जाता है कैमरा, कुछ एसेसरी और यहाँ पे साइड में हमको कुछ पुस्तकें भी मिल जाती है, बट इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई किस लिए बैठा है वो सब कुछ सिखाएगा इसी वीडियो में। सबको हम कर देते हैं साइड में, आ जाते हैं हम एसेसरीज में। तो सबसे पहले तो आपको टाइप सी टू USB केबल एक मिल जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का GoPro की ब्रांडिंग के साथ। इससे अगर आप चाहो तो आपके जो कैमरा है उसको भी आप चार्ज कर पाओगे। इससे ही आपका जो GoPro में जो भी आप डेटा यहाँ पे स्टोर करते हो, जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो, उसको आपके PC में ले सकते हो। और इसके साथ साथ में को मिल जाती है एक लिथियम आयरन बैटरी, वो की है 1720 mAh की। एक बैटरी की कैपेसिटी इतनी मिलती है कि आधे घंटे तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 5K वाली फुटेज। अब बट उस तरीके से फिर SD कार्ड भी होना चाहिए। के साथ साथ आप देख सकते हैं एक दूसरी एसेसरीज भी मिलती है जिसको कि आप माउंट कर सकते हैं अपने हेलमेट में, अपनी कार में, एसेसरीज के साथ अटैच कर सकते हैं आपके GoPro को। और उसके बाद नजर घुमाते हैं हमारे कैमरे की तरफ, जो कि हमारा कैमरा है वो भी बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन पैकिंग के साथ हमको मिलता है, आप देख सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे जो लेंस पे और स्क्रीन पे हमको प्रोटेक्शन मिलता है उसको हटा लेते हैं। तो अभी हमारे हाथ में ये आ गया है कैमरा, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का लुक लेकर आता है हमारा GoPro 11 है वो। आपको मिल जाती है दो स्क्रीन, एक है पीछे की तरफ और एक जहाँ पे आपका कैमरा है वहीं पे आपको एक प्रीव्यू स्क्रीन मिल जाती है, जिससे कि जो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाए कि क्या वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। पीछे की तरफ जो आपको स्क्रीन मिल जाती है वो पूरी टच रिस्पॉन्सिव स्क्रीन मिल जाती है, बट जो प्रीव्यू स्क्रीन है वो आपको टच रिस्पॉन्सिव नहीं मिलती है GoPro 11 में। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग ये भी कहें कि भाई अभी तो GoPro 12 है वो आ गया है, तो GoPro 11 क्यों लिया और अभी GoPro 11 की वीडियो क्यों बना रहे हो। तो ये मैं बता दूं कि गाइस प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे 12 एंड 11 में, और इतने बड़े कोई धमाकेदार फीचर चेंज नहीं हुए हैं। एक जनरेशन में इतना चेंज नहीं आता है GoPro में। तो GoPro 11 है वो आपको अभी के टाइम पे जो सेल चल रहा है उसमें आपको कुछ 34,000 के आसपास मिल जाता है। सेल के बाद भी आपको 38,000 के अंदर आपको बहुत ही आसानी से ये GoPro 11 आपको मिल जाएगा। गाइस ये जो कैमरा है 38,000 के अंदर आपको बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी को रिकॉर्ड करके देता है। मैंने जैसे कहा कि टक्कर दे सकता है एक आईफोन को, कैमरे आते हैं उसके साथ वाली क्वालिटी आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो मिररलेस जो कैमरे है DSLR कैमरे है, तो उस तरीके से मतलब कि वो पीछे ब्लर और वो सब नहीं देता, बट हाई क्वालिटी वाली वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको ये दे सकता है। मैंने भी इसीलिए इसको परचेस किया है। और साथ में ये भी है कि बहुत लाइट वेट है, बहुत आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप माउंट कर सकते हैं। वाटरप्रूफ है, मतलब कि समुद्र की गहराइयों में ले जाइए इस कैमरे को, पहाड़ों की ऊंचाइयों में ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में ले जाइए, कम से कम टेम्परेचर में ले जाइए, कहीं पे आपका साथ नहीं छोड़ेगा ये GoPro 11। उस तरीके का कैमरा मिलता है। भी यहाँ पे बात करते हैं कुछ इसके फीचर के बारे में। जैसे कहता आ रहा हूँ 5.3K का आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है, 60 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, और बहुत अलग अलग दूसरे प्रीसेट भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली बहुत ही अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। और अगर चाहे तो खुद के प्रीसेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे आपको 5K के साथ 4K, 2K, 1080p में भी आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे 4K में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मैक्स आपको 120 का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 2K में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको 200 FPS का मैक्सिमम फ्रेम रेट मिल जाती है रिकॉर्ड करने के लिए। 1080p में भी आपको 200 FPS तक का मैक्सिमम फ्रेम रेट रिकॉर्डिंग के लिए मिल जाता है, जिससे कि वीडियो है उसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। अभी बात करते हैं इसमें आपको किन किन एस्पेक्ट रेशियो के ऑप्शन मिल जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। पहले तो हमारा नॉर्मल वाला 16:9 का रेशियो
मिल जाता है, उसके बाद 4.3 का रेशियो मिल जाता है मतलब क्वेयर वाला, और उसके बाद यहाँ पे फुल फ्रेम वाला ऑप्शन हमको मिल जाता है 7:9 का रेशियो, मतलब कि ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते। कुछ दूसरे फीचर के बारे में बात कर ले, एक्शन कैमरा है तो व्लॉगिंग और इस सब चीजों के लिए ज्यादा यूज होता है, वो जो इसके लेंस मोड है वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बात करें सबसे पहले आपको लीनियर प्लस होराइजन लेवलिंग मिलती है, तो ये क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके की फुटेज ले रहा हूँ, और उसके बाद मेरे सिचुएशन में ऐसा होता है जो कैमरा है वो पूरा इस तरीके से मूव करने लगता है, ठीक है, मतलब कि पूरा इस तरीके से घूम जाता है। तो होराइजन लेवलिंग है वो हमारी वीडियो को स्टिल वही पोजीशन पे रखेगा, इसे कहा जाता है होराइजन लेवलिंग। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल लीनियर मोड का ऑप्शन है, ये है GoPro का सबसे पहला मोड लेंस का जो कि है लीनियर मोड। अभी लीनियर मोड में कुछ इतना एरिया कवर कर सकते हैं आप एक फुटेज में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे नजर हमको देखने मिल जाता है लीनियर मोड में। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है वाइड एंगल वाला ऑप्शन। अभी गाइस ये है वाइड एंगल वाला लुक, कुछ इस तरीके का वीडियो फुटेज आप ले सकते हैं, कुछ इतना एरिया कवर होता है, वाइड एंगल वाला मोड है हमारा GoPro 11 में उसमें। और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सुपर व्यू का, तो गाइस ये है इसका सुपर व्यू वाला मोड, और इसमें कुछ इतना ज्यादा वाइड हो जाता है, मतलब कि जो वाइड एंगल वाला मोड था उससे भी ज्यादा वाइड हो जाता है हमारा जो वीडियो में व्यू है वो। इसके बाद भी एक मोड है जो कि है हाइपर व्यू का। अभी ये है हाइपर व्यू मोड जो कि GoPro का लास्ट मोड है वाइड में, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा वाइड फुटेज हो जाती है। ये कुछ लेंस के मोड मिल जाते हैं आपको GoPro 11 में। बात करते हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा में हमेशा रहता है GoPro 11, जो कि है इसकी स्टेबिलिटी। अभी गाइस अगर आपने GoPro 11 या GoPro का 10 या 9 आपने कोई भी परचेस कर लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है कोई भी गिम्बल परचेस करने, क्योंकि इसमें ही जो स्टेबिलिटी का आपको ऑप्शन मिलता है वो ही इतना खतरनाक है। पहले तो मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ विदाउट स्टेबिलाईज वीडियो कैसे बनता। यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन है वो ऑफ करके देख रहे हैं कि जो वीडियो है वो कितनी शेकी रहती है अगर हम यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट करते हैं। ये विदाउट स्टेबिलाइजेशन में कितना हमको स्टेबल मिल पाता है वीडियो। और अभी हम यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन ऑन करेंगे, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैमरा है वो इतना ज्यादा मूव करता है फिर भी हमारी जो वीडियो है वो कितनी स्मूथ रहती है और कितना स्टेबल रहता है हमारा वीडियो। और इसके बाद GoPro में हमको ऑप्शन मिल जाता है बूस्ट मोड का, मतलब कि ये स्टेबिलाइजेशन का एक अपर लेवल ऑप्शन है जिससे कि और ज्यादा स्मूथ कर पाएंगे आपके वीडियो का स्टेबिलाइजेशन। और इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रनअप करके देखता हूँ फुटेज है वो कितनी स्मूथ रहती है, सैंपल देख सकते हैं। ये हो गए कुछ स्टेबिलाइजेशन के ऑप्शन। अभी इसके बाद भी कुछ फीचर हमको मिलते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग में ऑप्शन मिलता है, 10-bit वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है जिससे कि आपका जो कैमरा है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में कलर को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जिससे कि आपको जो कलर करेक्शन है बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से कर पाए। और ये ऑप्शन है वो बहुत ही महंगे महंगे कैमरों में ही आते हैं, मतलब कि जो मिररलेस और बड़े कैमरे होते हैं उसमें ये ऑप्शन आता है 10-bit वीडियो रिकॉर्डिंग का। उसके साथ साथ यहाँ पे कलर में भी हमको ऑप्शन मिल जाता है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें तब आपको 3 यहाँ पे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं आपके मूड या आपके जो भी आपको नीड है उसके मुताबिक। सबसे पहले तो यहाँ पे वाइब्रेंट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें कि आपका जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद यह यहाँ पे नेचुरल वाला ऑप्शन जिसमें कि जो भी कलर है वो आपको एकदम नेचुरली दिखेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा सैचुरेशन होगी और एकदम यहाँ पे डल कलर होगे, जो भी नेचुरल कलर होगे उस तरीके के कलर आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको फ्लैट वाला ऑप्शन। तो ये जो फ्लैट वाला ऑप्शन है गाइस, इसमें जो वीडियो एकदम डल कलर में वीडियो रिकॉर्ड होगी इसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कलर करेक्शन की। जब आप एडिटिंग करो तब आप ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी से कलर करेक्शन कर सकते हो और कलरों को ट्विक कर सकते हो, के लिए ये फ्लैट वाला ऑप्शन है वो यूज होता है। अभी बात आती है यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट माइक हमको मिल जाता है और बहुत ही अच्छा माइक मिलता है, तो इसमें भी आपको नॉइस रिडक्शन वाला भी ऑप्शन मिल जाता है और विदाउट नॉइस रिडक्शन के भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं दोनों मोड को आपको दिखा देता हूं। पहले तो आप सुनिए विदाउट नॉइस रिडक्शन वाला जो ऑडियो में हमारा ऑप्शन है उसको ऑफ कर दिया है, नॉइस रिडक्शन ऑफ करके हम यहां पे वीडियो को ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और आप सोच सकते हैं कुछ इस तरीके की ऑडियो देखने मिल जाती है। अभी हमने यहाँ पे नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया है और अभी आप सुन सकते हैं। तो अभी गाइस हमने ऑडियो में जो विंडो वाला मोड है मतलब कि नॉइस रिडक्शन वाला मोड है उसको ऑन कर दिया है, और आपको कुछ ऑडियो में फर्क दिखा है या नहीं मुझे कमेंट में बताना, ज्यादा
फर्क नहीं पड़ता है। जो नॉइस है थोड़ा सा कम कर दिया है नॉइस रिडक्शन से, हाँ बहुत ज्यादा एकदम कम कर नहीं कर देता, बट कुछ हद तक यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर जाता है। आईके तक का आपको अगर वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा, वहां पे मैं सारे सैंपल डाल दूंगा 5K में, 4K में, 2K में, 1080p में आपको कैसा रेजोल्यूशन मिलता है, एकदम रॉ फुटेज डालूंगा, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हो और आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी दे सकता है GoPro। भी यहां पे कुछ इसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बात करते हैं। पहली ये है कि GoPro 11 एक एक्शन कैमरा है और आउटडोर के लिए ही बना हुआ है। बात यह है कि अगर आप इनडोर में यूज करते हो या फिर आप पे लाइटिंग कंडीशन कम है वहां पे यूज करते हो, मतलब कि लो लाइट कंडीशन वाली सिचुएशन है, वहां पे थोड़ी सी फुटेज इसकी अच्छी नहीं आ सकती या थोड़ा सा ग्रेन आ सकता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें है। तो इनडोर में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वहां पे आप ज्यादा लाइटिंग लगाओ तो वहां पे भी अच्छी क्वालिटी में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये पूरा वीडियो है वो हमारे GoPro 11 से ही रिकॉर्ड हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा GoPro 11 है और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके की लाइटिंग लगा रखी है जिससे कि हमको अच्छा फुटेज मिले GoPro से। और उसके बाद यहाँ पे बात ये है, आपको जो यहाँ पे साथ में एक बैटरी मिलती है, ठीक है, 1720 mAh, 30 से 35 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो को। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप लॉगिंग करते हो वहां पे आप अलग अलग जगहों पे जाते हो, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है ऑप्शन चार्जिंग का, तो इसके साथ साथ आपको लेनी पड़ेगी अलग से एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है, ठीक है। ये बात भी है कि इसकी जो एक बैटरी है वो इनफ नहीं रहती है हर एक सिनेरियो में। तो ये कुछ इसके कौन है, कौन सी बैटरी आप ले सकते हो उसके बारे में, और कौन सी एसेसरीज आपको लेनी है इसके साथ साथ, में लेंस को भी आप चेंज कर सकते हो तो कौन कौन से लेंस आप ले सकते हो, फोटोग्राफी के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हो तो वहां पे भी आप कौन कौन से लेंस ले सकते हो, कौन कौन से एसेसरी ले सकते हो, उसके लिए मैं सेपरेट दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो और ज्यादा देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहना।